नमस्कार साथियों, आज अपन टॉपिक लेंगे स्थानीय स्वशासन का। और ये जो टॉपिक है ये रीट लेवल फर्स्ट सेकंड एसएसटी पटवार एवं पुलिस के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। और इस टॉपिक का प्रत्येक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अतः आप प्रत्येक पॉइंट पे ध्यान दीजिए और बड़े आराम से समझिए। आपका पॉइंट है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। तो सुनना पहला पॉइंट कि स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक अवधारणा है। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे कि स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये लोकतंत्र का केंद्रीकरण करता है या विकेंद्रीकरण करता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक क्या है, अवधारणा है। अर्थात स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का फैलाव करती है। फैलाव का मतलब यह है कि गांव की जनता भी लोकतंत्र में भागीदार बन सके। अब इसका अगर मैं सटीक अर्थ बताऊं आपको कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक अवधारणा है। यह लोकतंत्र में निचले स्तर की जनता की भागीदारी को निश्चित करता है। निचले स्तर का मतलब क्या है, निचले स्तर का मतलब है कि एक तो ग्रामीण स्तर और एक है शहरी स्तर। तो ग्रामीण स्तर के लोग एवं शहरी स्तर के लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सके, जिसके कारण लोकतंत्र मजबूत स्थिति में पहुंच सके। तो वो भागीदारी किसके द्वारा निभाई जाती है, स्थानीय स्वशासन के द्वारा। तो ये हो गया अपना स्थानीय स्वशासन का अर्थ कि स्थानीय स्वशासन एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक अवधारणा है, जिसके द्वारा निचले स्तर की जनता की भागीदारी को लोकतंत्र में क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है। स्थानीय स्वशासन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक जिसको अपन कहते हैं पंचायती राज, और पंचायती राज होता है वो होता है ग्रामीण स्तर पर, और एक है शहरी निकाय जिसमें है नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है
कि स्थानीय स्वशासन है उसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें तालुका बोर्ड एवं तालुका परिषदों के गठन का प्रावधान था। फिर सुन लीजिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव में तालुका बोर्ड और तालुका परिषदों के गठन का क्या था? प्रावधान। अतः 1882 के लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों कि 1882 में जो लॉर्ड रिपन ने तालुका बोर्ड और तालुका परिषदों के गठन का जो प्रावधान किया था और ये जो प्रस्ताव पारित किया था 1882 में, इसी प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या है ये तो अपन ने बात कर ली थी मूल अधिकारों में भी, जिसमें आपका पहला ही पॉइंट आ रहा था कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। वहां पर अपने कंसेप्ट क्या कर लिया था? क्लियर कर लिया था। तो एक तो ये नॉर्मल सी बातें हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित एक अवधारणा है जो निचले स्तर की जनता को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है? तो आपका सटीक सा आंसर होना चाहिए, ये 2 प्रकार का होता है। एक है पंचायती राज और दूसरा है शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसमें आप पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को। इसके बाद में है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया 1882 में स्थानीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें तालुका बोर्ड एवं तालुका परिषदों के गठन का एक क्या था? प्रावधान। और इसी 1882 के जो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसी को अपन स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी सूची का विषय है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। देखिएगा, 3 सूचियां हैं आपकी 7वीं अनुसूची में, जिसमें दर्शाया गया है शक्तियों के विभाजन को। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पे कानून बनाएगी संघ सरकार, राज्य सूची पे कानून बनाती है राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाती है वो केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन है वो कौन सी सूची का विषय है?
राज्य सूची का विषय है, अर्थात स्थानीय स्वशासन की जितनी भी संस्थाएं हैं, पंचायती राज ले लो आप, ग्रामीण क्षेत्र वाला चाहे शहरी क्षेत्र वाला, नगर पालिका से लेकर के नगर निगम तक का, इस पर पूर्णतः कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, या अपन ये कह सकते हैं विधानमंडल के पास है। क्लियर दोस्तों? अब जो अपन पॉइंट देखेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना पहला, पंचायती राज। देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े आराम से एक एक पॉइंट को समझते हुए जाओ। पंचायती राज को अपन कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की भी संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब सीधा ही क्वेश्चन ये आ जाए कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की संज्ञा किस शासन को दी जाती है? तो जो पंचायती राज वाला है, पंचायतों से जो संबंधित प्रावधान है पंचायती राज में, उसको अपन ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब पंचायती राज का विकास देखेंगे अपन कि पंचायती राज का, इन पंचायतों का विकास का क्रम किस प्रकार से है। तो पहला पॉइंट अपन देखेंगे पंचायती राज में, प्राचीन समय से लेकर ১৯৫০ तक का विकास क्रम, कि पुराने समय में किस प्रकार से पंचायतों का उल्लेख था और 1950 तक सरकार ने किस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं की है। देखिएगा, अगर अपना प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में अपना आता है वैदिक काल, और वैदिक काल में आप पढ़ते हो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और इनमें सभा समिति जैसे शब्दों का क्या होता है? उल्लेख होता है। तो ये सभा और समितियां थी, ये ग्राम स्तर पे हुआ करती थी। तो प्राचीन काल में हमें वैदिक काल से इसकी एक यात्रा शुरू होती है विकास क्रम की, पंचायती राज की, और वैदिक काल में हमें पंचायतों के लिए सभा समिति जैसी संस्थाओं का क्या होता है? उल्लेख मिलता है। वैदिक काल के बाद में बात करें अपन नंबर दो, तो जैसे अपन ने मौर्य काल, मौर्य काल में भी पंचायतों के विकास का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में हमें पंचायतों के दर्शन होते हैं, ग्राम की अवधारणा के दर्शन होते हैं। इसके बाद में है तीसरा पॉइंट, मध्यकाल में, मध्यकाल में भी हमें पंचायतों के विकास का उल्लेख मिलता है। जैसे आप चाहे सल्तनत काल ले लो या मुगल काल ले लो, इन सभी में पंचायतों के विकास का एक हमें उल्लेख मिलता है। और मध्यकाल में कुछ शब्द हैं जैसे मुग्धम, चौधरी, पटवारी, ये जो दो तीन शब्द मिलते हैं हमें, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये ग्राम स्तर पे हुआ करते थे, उनकी मुखिया हुआ करते थे, उनको संचालित करने वाले कंट्रोलर हुआ करते थे मुग्धम, चौधरी और पटवारी। तो इसका मतलब मध्यकाल में भी हमें पंचायती राज के दर्शन होते हैं, पंचायतों के दर्शन होते हैं, ग्राम शासन की अवधारणा मिलती है। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, चौथे पॉइंट की, कि
प्राचीन काल में या अपन ये कहें मध्य काल तक अगर पंचायतों का सुव्यवस्थित जो विकास हुआ है, और वो सुव्यवस्थित विकास किस वंश की देन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चोल वंश। दक्षिणी भारत में एक वंश हुआ करता था ही, चोल वंश, और चोल वंश के शासकों को पंचायतों का एक सुव्यवस्थित क्रम देने की अवधारणा दी थी। अतः चोल वंश को अपन ये कह सकते हैं कि उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित क्रम दिया था। अब यहां से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि प्राचीन काल में पंचायती राज जैसी जो व्यवस्थाएं थी उनका सुव्यवस्थित क्रम किस काल की देन थी, तो वो थी दोस्तों चोल वंश की। ये पक्का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में अपना मध्यकाल में आ गया, हमने देख लिया मुकदम है, चौधरी है, पटवारी है। इसके बाद चौथी बात करें अपन ब्रिटिश काल की। और ब्रिटिश काल में हमें इनका विकास का क्रम मिलता है 1870 से, और 1870 में एक व्यक्ति थे लॉर्ड मेयो जो वाइसराय थे। तो 1870 में वाइसराय लॉर्ड मेयो ने स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान की, कि स्थानीय संस्थाओं को ये तीन अधिकार दिए, एक तो शिक्षा का अधिकार दिया, एक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान की, और एक वित्तीय सुविधाएं उनको क्या की, प्रदान की। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसमें तालुका बोर्ड और तालुका परिषद जैसी संस्थाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अतः लॉर्ड रिपन को ये मेयो मत याद रखना दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका आपके सामने आ रहा है, अतः लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और 1882 के वर्ष को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद 1919 का जो शासन अधिनियम था, इस 1919 के एक्ट में भी स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, तथा इस एक्ट में स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। कौन सा रूप प्रदान किया गया, वैधानिक रूप। याद रखना दोस्तों कि पहली बार कौन से एक्ट के तहत स्थानीय संस्थाओं को या स्थानीय स्वशासन को आंशिक रूप से वैधानिक रूप प्रदान किया गया था, तो कौन सा एक्ट था दोस्तों, 1919 का एक्ट। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अब भारत में पंचायती राज का जो सबसे बड़ा समर्थक था, भारत में पंचायती राज का सबसे बड़ा समर्थक महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी का अक्सर कथन भी आता है, और इनका कथन था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत की आत्मा कहां निवास करती है,
गांव में निवास करती है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। और भारत में जो पंचायती राज का सबसे बड़ा प्रबल समर्थक थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम था माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। और माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में इन्होंने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी? ग्राम स्वराज्य की। किस पुस्तक में? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में। और ये ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा ही पंचायती राज का आधार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत में पंचायती राज का आधार किसको माना जाता है? तो पंचायती राज का आधार माना जाता है ग्राम स्वराज्य की अवधारणा। और ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने। अपनी कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत की थी? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा भी यही है दोस्तों कि गांव है और गांव की जो जनता है वो खुद अपना शासन करे। और खुद शासन कब करेगी? जब सरकार उसे क्या देगी? अधिकार देगी। इसके बाद पंडित नेहरू का भी कथन है, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित नेहरू का कथन है कि पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान निर्माण की प्रोसेस हुई। और वहां एक व्यक्ति थे संविधान सभा में, राजमन नारायण, और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि आपने पूरा संविधान निर्माण कर दिया लेकिन इसमें गांधीवादी विचारों को शामिल नहीं किया, गांधी का एक कंसेप्ट ही शामिल नहीं है इसमें। तब गांधीयन फिलोसफी को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि पंचायतों के गठन का उल्लेख सर्वप्रथम संविधान के किस भाग में मिलता है? तो संविधान के भाग 4 में मिलता है। संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 40 में मिलता है। और अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करवाएगा। राज्य किसका गठन करवाएगा? ग्राम पंचायतों का। और भाग 4 में किसका उल्लेख है? भाग 4 में उल्लेख है दोस्तों डीपीएसपी नीति निदेशक तत्वों का। तो ये तो क्रम था अपना 1950 तक। देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायतों का सर्वप्रथम गठन का उल्लेख संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 40 में मिलता है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का क्या मिलता है? उल्लेख। और उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि राज्य है, राज्य सरकारें, वो ग्राम पंचायतों के गठन का क्या करवाएंगी? व्यवस्था करवाएंगी या गठन करवाएंगी।
और ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों दो तीन बार पूछा जा चुका है कि पंचायतों के गठन का सर्वप्रथम उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में मिलता है। ये तो अपना एक क्रम था 1950 तक वाला, यानी प्राचीन से लेकर के 1950 तक। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं एक बार आपके, जिससे कि माइंड में दोबारा बन जाए आपका मामला। कि स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो अर्थ है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर क्या है, आधारित है। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का प्रसार होना, और लोकतंत्र का प्रसार कहां तक होना? ग्राम तक, ग्रामीण स्तर तक होना। अर्थात स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र में निचले स्तर की जनता की भागीदारी को निश्चित करता है, ये उसमें भागीदार बनाता है ये लोकतंत्र में, इसे अपन क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन। इसके बाद में स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक आपका आ गया नगरीय शासन और एक आपका आ गया ग्रामीण शासन। ग्रामीण शासन का मतलब है आपका पंचायती राज, और नगरीय शासन का मतलब है शहरी व्यवस्था, जिसमें अपन पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें तालुका बोर्ड और तालुका परिषदों के गठन का प्रावधान था, और इसी 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्लियर दोस्तों? अगला है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का क्या है, विषय है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अब अपन पहला पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्वशासन के कितने प्रकार बताए थे मैंने? दो प्रकार, जिसमें अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे पंचायती राज। अब पंचायती राज वाली जो व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था को कहा जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये शब्द भी आप ध्यान रखोगे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब भी वही होता है कि निचले स्तर की जनता लोकतंत्र में क्या हो, भागीदार हो, अपनी पार्टनरशिप निभा सके। अब प्राचीन समय से लेकर के अपन पहला विकास देख रहे हैं, प्राचीन समय से लेकर के 1950 तक का विकास देखिएगा। प्राचीन समय की जो शुरुआत है वो अपन लेते हैं वैदिक काल से, कि वैदिक काल में जैसे ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल जो आप पढ़ते हो, तो ऋग्वेदिक काल या उत्तरवेदिक काल में आप सभा समितियों का जो उल्लेख मिलता है, और ये ग्राम की समितियां हुआ करती थी, और ग्राम की मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। तो ये सभा समितियों का जो उल्लेख है ये अपने आप में पंचायती राज को दर्शाता है उस समय के। इसके बाद में मौर्य काल, और मौर्य काल में चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में वहां के ग्रामीण शासन को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद में है मध्यकाल, मध्यकाल में आपके आ गए कि पंचायती राज से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वह है जैसे मुकदम है, चौधरी है, पटवारी है। फिर यदि यह कहा जाए कि प्राचीन समय में पंचायती राज व्यवस्था को सुव्यवस्थित देने वाला वंश कौन सा था, तो याद रखिएगा चोल वंश। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन समय में पंचायती राज को सुव्यवस्थित दुनिया के सामने पेश करने वाला एकमात्र वंश कौन सा था? चोल वंश। इसके बाद में अपन बात करें ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल की शुरुआत तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन यहां पे आप दो वाइसराय का ध्यान रखोगे, एक है लॉर्ड मेयो और एक है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो ने क्या किया? लॉर्ड मेयो ने 1870 में स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वित्तीय सुविधाएं प्रदान की। इसके बाद में लॉर्ड में जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, यह मैं पहले ही बता चुका हूं, और इस प्रस्ताव में तालुका बोर्ड जैसी संस्थाओं का क्या था, उल्लेख। इसके बाद है 1919,
कि 1919 के एक्ट में भी स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है और स्थानीय स्वशासन को इस 1919 के एक्ट में वैधानिक रूप प्रदान किया गया। ये ध्यान रखना है कि किस एक्ट में स्थानीय संस्थाओं को या स्थानीय स्वशासन को कानूनी रूप प्रदान किया गया था, वैधानिक रूप से मान्यता दी थी, तो वो कौन सा है? 1919 का एक्ट। इसके बाद में है कि भारत में पंचायती राज का सबसे बड़ा समर्थक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी का कथन आता है कि भारत की आत्मा गांव में क्या करती है? निवास करती है। अब महात्मा गांधी की जो पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में, उन्होंने एक अवधारणा दी थी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा। अब इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट आ रहा है कि जो ग्राम स्वराज्य की जो अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया के अंदर, यही अवधारणा भारत में पंचायती राज का क्या है? आधार है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में है आपका कि पंडित नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है। सीधा ही क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर पंचायतों का सर्वप्रथम गठन संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग चार में मिलता है। और भाग चार के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 40 में, जिसमें लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करवाएगा। क्लियर दोस्तों? अब अपन कल वाली क्लास में बात करेंगे 1950 के बाद वाला विकास, और वो पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों? ओके।